फतेहाबाद में इंसानी रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां सगे भाई ने ही अपनी 12 साल की नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म किया। बाल संरक्षण विभाग को इस संबंध में जानकारी मिली तो बच्ची की काउंसलिंग की गई और काउंसलिंग में बच्ची ने आप बीती बताई, जिसके बाद मामला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष भेजा गया। पीड़िता के माता पिता की मौत हो चुकी है और वो अपने दो भाइयों के साथ रह रही थी। आरोपी भाई भी नाबालिग ही है, जबकि दूसरे की उम्र 10 साल है। पीड़ित किशोरी के बयान दर्ज करने के बाद उसे और उसके छोटे भाई को अनाथालय में ही रखा गया है। लड़की ने ये आरोप लगाया, मेरा भाई मेरे से गलत काम करता था और मेरे को तंग और परेशान भी करता था। ये 5-7 दिन से लगातार कह रही है। इसके लड़की के माँ बाप भी मर चुके हैं, दोनों बहन भाई रहते थे। लड़की उस चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के अंदर वही है जो आरक्षण ये महिलाओं के लिए बनाया हुआ है, लड़कियों के लिए, उसको वहीं छोड़ा गया है सुरक्षा में। फिलहाल पीड़िता के बयान पर केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस शर्मनाक घटना के सामने आने के बाद हर कोई स्तब्ध है। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी।